तो गाइस ओपन जिम की प्रिपरेशन चल रही है। तो ये है गाइस मार्गन मॉड की एंट्री। दूध है इस तरीके से आता है। ओ मेरे रांझे बता दे मैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो मेरे लिए तो गुड इवनिंग है, आपके लिए गुड मॉर्निंग है, क्योंकि ब्लॉग आठ बजे आता है सुबह। मैं और मेरा भाई हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, जस्ट अभी बाहर निकले, पूरे दिन हो गया लेटे लेटे सोते सोते, इतने ज़्यादा आलस आ रहा था क्योंकि ऑफिस रात का है, तो दिन में सोता ही रहता हूँ पूरी रात पूरे पूरे दिन सोता ही रहता हूँ बस, क्योंकि रात को ऑफिस है। तो लिफ्ट आएगी और फिर हम जाएंगे नीचे, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। ओपन जिम लग रहा है बाहर, तो वो भी देखेंगे जाके। तो भाई यहाँ का तो माहौल ही बुरा अलग रहता है, ऐसा मिनट में नहीं रहता बिल्कुल भी। यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लाइन से खड़ी रहती हैं, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, फ्लैट ही फ्लैट, इतने सारे, और इधर घर नहीं दिखाई देते कहीं भी, हर जगह बस फ्लैट ही फ्लैट दिखाई देते हैं। घर तो यहाँ कहीं है ही नहीं आस पास, प्लॉट व्लाट का तो सिस्टम ही नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ जगह लेते हैं उसमें बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं बिल्कुल पास, और यहीं लोग रह जाते हैं सालों साल तक। हरे हरे शीशे दिख रहे सारे के सारे, क्योंकि ऊपर से नीचे हरे हरे शीशे सारे के सारे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरे को छींक आ रही बहुत ज़्यादा, दोबारा से वही प्रॉब्लम हो रही होने लगी, छींक आने लगी बहुत ज़्यादा, बहुत दिन हो गया ना छींक आए हुए, आ जा रही है। तो गाइस ओपन जिम की प्रिपरेशन चल रही है, जिम का सामान सारे के सारे लगाया जा रहा है यहाँ पे, ये सारे के सारे चप्पन से इतने सारे एक एक करके सारे के सारे, यहाँ पे खाली एरिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद फिर अपन लोग ओपन जिम भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अंदर की साइड में स्विमिंग पूल है ना, तो स्विमिंग पूल के जस्ट बाहर ये खाली स्पेस पड़ा था, इसमें इन्होंने ओपन जिम का सेटअप लगा दिया। करने को तो यहाँ पे बहुत कुछ है लेकिन करने वाले कम है, सब लोग इतने ज़्यादा आलसी हो चुके हैं ना, काम करते हैं घर में ही रहते हैं, बस सोते रहते हैं पूरे दिन भर रात भर और कुछ नहीं करते। ये जा रहा है आगे, ये भी उनमें से ये है क्या, कहते रहता है कुछ ना कुछ करूँगा, जिम जाऊँगा या करूँगा वो करूँगा, लेकिन कहीं भी नहीं जाता, बस पड़े रहता है बस पूरे टाइम और कुछ नहीं। मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा। तो गाइस आज पहली बार मैंने गाई चुकंदर की सब्जी, इसने इतनी अजीब सी सब्जी बनाई, लाल कलर की, मुँह भी लाल हो गया था देखने में, अजीब सा लग रहा था, मुझे लगा पता नहीं क्या खा रहा हूँ मैं, कॉकरोचों की सब्जी। तो गाइस यहाँ चल रही न्यूज़ रिपोर्टिंग, ये लड़की खड़े हुए कर रही है न्यूज़ रिपोर्टिंग, बेस तक चैनल है इनका, उसके लिए न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रही है। यहाँ पे बजट के ऊपर पूछ रही कि अब बजट से लोगों पे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है वो पूछ रही है। तो चलो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अपने काम करते हैं थोड़े से। तो भाई ये रहा माहगुन मॉड, और इसके पीछे ये माहगुन की बिल्डिंग, तो ये माहगुन सोसाइटी है, उसके लिए यहाँ पे माहगुन मॉड बना रखा है। तो मेरे फ़ोन का टेम्पर ख़राब हो रहा था, तो टेम्पर चढ़वाया सबसे पहले मैंने, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये गाइस माहगुन मॉड की एंट्री, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा वो लगा रखे फाउंटेन, और ये माहगुन मॉड, यहाँ पे सारे सामान मिल जाता है, सारी दुकान है ए टू जेड, सारी दुकान है हर चीज़ की, और ये 24/7 भी है यहाँ पे, जो चाहो वो मिलेगा। तो भाई नीचे वाले फ्लोर पे तो मिला नहीं रहे इस टाइम, अब ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे जावे तभी हेयर सैलून भी है, वाह हेयर एंड ब्यूटी, मेरठ में तो अपने है ही नहीं। तो भाई देखो यहाँ पे चिंटू भाई के छोले कुलचे, तेरे चिंटू भाई चिंटू भाई का ठेला है, चिंटू भाई की ब्रांच है यहाँ पे छोले कुलचे की। तो भाई शाम का टाइम हो चुका है, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे ज़्यादातर उनमें से 50% लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, तो सब तैयार हो के इस टाइम पे निकलने लग जाते हैं, बैग वैग लेके कैब आने लग जाती है, सब उनमें बैठ बैठ के अपने ऑफिस जाने लग जाते हैं। हर चीज़ यहाँ पे एक काम बना रखी है लोगों ने, हर चीज़ का ना बिजनेस बना रखा है, कुत्ते घुमाने के लिए अलग लोग लगा रखे हैं, बच्चे घुमाने के लिए अलग लोग लगा रखे हैं, अपने उधर ऐसा नहीं है, अपने उधर तो सब खुद ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ का बना रखा बिजनेस। तो भाई ये कुत्ता देख रहे हो, मैक्स यहाँ पे था दो चार दिन, जितने भी दिन रहा इससे भिड़ता रहता था पूरे टाइम, नीचे से भौंकता रहता था, ये ऊपर से भौंकता रहता था, मैक्स के दुश्मन है ये, सोच रहा होगा कि मालिक तो यहाँ घूम रहा है, वो कहाँ का पिल्ला सा बेड़ लेता मैं थोड़ा सा, उससे जुबान चोरी कर लेता। शाम होते होते पता नहीं किसके अब्बा ने फ्रिज खोल दिया, ठंड बढ़ने लग गई। आगे भाई एंट्री कर ली हमने लिफ्ट में, चलो अब चल रहे। तो गाइस जब रूम पे पहुंच चुके हैं, अब ऑफिस का टाइम होने वाला है थोड़ी बहुत देर में, तो नहा धो के तैयारी कर लेते हैं, और अब क्या ही लेटेंगे, अब 5:30 बज रहे हैं, 6:30-7 बजे कैब आ जाएगी, तो एक सवा घंटे बाद, तो अब लेटने का प्लान कैंसिल। अब पानी गर्म करते हैं, नहा धो के फिर निकलेंगे ऑफिस के लिए।
गाइस सुबह 5 बजे का टाइम है, जस्ट अभी ऑफिस से आया हूँ, तो यहाँ पे दूध है इस तरीके से आता है, यहाँ पे दूध पूरा का पूरा कैंपर आ जाता है ऐसे, और इतने सारे दूध वाले आते हैं और ये सबके घरों के बाहर दूध टांग के चले जाते हैं। तो गाइस ऐसा हुआ कि तैयार होकर मैं ऑफिस के लिए निकल गया, काफ़ी देर हो गई थी तो मैं फटाफट तैयार होकर निकल के वीडियो नहीं बना पाया, तो अब मैं ऑफिस से आ गया हूँ, सुबह के 4:45 हो रहे हैं, लाइक 15 मिनट में ही मैं ऑफिस से घर आ गया। वाओ कितना बढ़िया है ना, तो कैब मेरे को सिर्फ 15 मिनट में छोड़ के चलेगी ऑफिस से, तो 4:50 हो रहे हैं, बेसिकली 20 मिनट में छोड़ के चलेगी। और अभी मैंने दिखाया ना आपको दूध वाले किस तरीके से आते हैं यहाँ पे, ये सही है भाई, ये दूध वाले इस तरीके से आते हैं, जितने ऑर्डर लिखे होते हैं उतने वो बाहर टांग के चले जाते हैं गेट के बाहर, और हम लोग गेट में से दूध निकाल लेते हैं। भाई साहब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, बाइक इधर की साइड 2 व्हीलर्स खड़े हुए हैं, इधर की साइड कार खड़ी हुई हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ भाई, पार्किंग स्पेस ही खाली नहीं है, गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी। चलो लिफ्ट में एंटर कर गए भाई, चलो अब यार घड़ी नहीं आजकल पहन के जा रहा मैं, क्योंकि जब घड़ी लाया था ना मैं यहाँ पे उसकी बैटरी बहुत कम थी, और बैटरी भाई पहले ही दिन डिस्चार्ज होगी, मंडे को ही डिस्चार्ज होगी, अब घर जाऊँगा सैटरडे को, तो उसके बाद घड़ी को चार्ज करूँगा, उसका चार्जर भी लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम। भाई ने काफी ये मामला सेट कर रखा है, रात को ऑर्डर किया होगा पक्का, भाई ये तो भूख लगती है बहुत ज़्यादा, रात को एकदम से ऑर्डर कर देता कुछ भी, डोमिनोज वोमिनोज कहीं से भी। तो गाइस मैं खाना वाना खा के हो चुका, बिल्कुल सेटअप हो गया सोने का टाइम, ये पानी की बॉटल मैंने भर ली है, बेड वेड सेट कर लिया, अब थोड़ा बहुत बस मोबाइल चला के और अपन सो जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है सिर्फ सुबह के 5:15 में, भी 9 बजे मैं ऑलमोस्ट सो जाता था, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इतने बजे ही सो जा रहा हूँ मैं। तो चलो निवेश करते हैं इस वीडियो को यही पैन, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल करें, सब्सक्राइब, मिलते हैं सीपो नहीं हैप्पी वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।